आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं बुशरा खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। एम प्रसाद प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली फिल्म जीवन की राहें की शूटिंग संपन्न हुई। फिल्म के निर्माता एम प्रसाद हैं और निर्देशन का कार्य सुरेश पटेल ने संभाला। श्री प्रसाद ने बताया कि अब फिल्म की डबिंग और एडिटिंग का काम बचा हुआ है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा और संभवतः यह फिल्म अक्टूबर तक दर्शकों के सामने होगी। उन्होंने बताया कि यह एक पारिवारिक फिल्म है। फिल्म में पारिवारिक नोकझोंक कॉमेडी के साथ कई फ्लेवर देखने को मिलेंगे। फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में अनूप जलोटा, यजुर मारवा, डॉक्टर सुजाता चौधरी, साची गौड़, आकर्ष अलग, दीपक रिझावन, आयुषी गुप्ता, आयुषी पाल, ज्ञान आर्या, राजीव सक्सेना, राखी जायसवाल, वंदना वाजपेयी व हेमा ने अपने अभिनय से चार चांद लगा दिया। फिल्म की कहानी महावीर प्रसाद ने लिखी, जिसके संवाद हरदेव सिंह ने लिखे। डीओपी की कमान राकेश रामदत्त ने संभाली और साउंड की जिम्मेदारी गौरव सक्सेना को दी गई। कार्यकारी निर्माता व कास्टिंग डायरेक्टर रोहित मिश्रा है। असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में दीपक प्रकाश व निवेश ने साथ दिया। आइए अब आपको फिल्म के कलाकारों से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, आज हम बाराबंकी में हैं। यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, जीवन की राहें। उसके लीड कलाकार यजुर मारवा से आपको हम मिलवाने जा रहे हैं। आइए मिलते हैं यजुर जी से और उसके बाद फिर हम आपको फिल्म के कई कलाकारों से मिलवाएंगे। यजुर जी। जी सर, कैसे हैं आप? पहले आप बताइए। लास्ट टाइम भी आप मुझे मिले थे लखनऊ में, तो इन्होंने मुझसे पूछा था फिर कब आ रहे हैं। देखिए, हम फिर से आ गए। हाँ, पैकअप होने वाला है फिल्म का। आपका लीड रोल है फिल्म में, तो किस तरह का करेक्टर आपका है? देखिए, मेरा यहाँ पे जो कैरेक्टर है, पहली बात तो बता दूँ कि हमारी जो ये मूवी है उसका नाम है जीवन की राहें और अंडर एम प्रसाद प्रोडक्शंस है। तो फैमिली ड्रामा है, तो इसमें अच्छे सबके कैरेक्टर्स यूनिक है, लीड है। तो जो आपको पता है ये फैमिली ड्रामा किस तरीके के होते हैं, बट रिवील ही करेंगे ताकि आप वेट करें और देखें कैसा लगता है आपको ये। जी, कुछ तो हिंट दीजिए दर्शकों को। नहीं, हिंट इसमें कुछ है नहीं, आप समझिए फैमिली ड्रामा है, तो एक ऐसा कुछ स्पेसिफिक कोई कैरेक्टर नहीं है। कॉमेडी है? नहीं, मिक्स फ्लेवर है। ड्रामा है, फैमिली ड्रामा है, तो आपको पता है फैमिली में हर चीज़ें होती है। सैड है, हैप्पीनेस है, कॉमेडी है, काफ़ी चीज़ें हैं, इसलिए तो ड्रामा बोलते हैं उसे। आपका करेक्टर किस तरह का है? नहीं, मेरा कैरेक्टर तो मिक्स ही है। मतलब हमारा जो भी है इसमें, मेरे फादर जो अनूप जलोटा सर हैं वो बने हैं, तो काफ़ी है कि जो मेरा मतलब हमारे नॉर्मल लाइफ में होती है, लाइफ शुरू होती है कॉलेज से लेके, हमारे डेटिंग से लेके, शादी से लेके, फिर उसके बाद के हमारे रिश्ते सब लोगों से, तो वैसे टाइप एक फैमिली ड्रामा, ऐसे कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है मेरा उसमें। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? जी, मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप मुझे लास्ट टाइम मिले थे जब मैंने शूट कंप्लीट किया था अपना लखनऊ में, मिर्ज़ापुर में। तो मेरा हॉटस्टार पे नेक्स्ट मंथ रिलीज़ हो रहा है, वेब सीरीज़ है, उसका नाम है ये तूने क्या किया, 8 एपिसोड्स हैं, उसमें लीड है। उसमें अगर आप बोले तो एक अच्छा कैरेक्टर है, वो हो रहा है। फिर मेरी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो रही है संजय मिश्रा सर के साथ, एक वेब सीरीज़ वेब फिल्म है वैसे तो। और बाकी है काफ़ी सारे गाने, अभी रिसेंटली हमारा एक गाना रिलीज़ हुआ था, उड़ाओ रंग होली सॉन्ग, फिर उसके बाद एक हमारा इश्क सॉन्ग हुआ। तो अभी काफ़ी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे लाइंड अप। जी सर, कैसे हैं आप? मैं बड़े मज़े में हूँ और आज बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहा हूँ। और बाराबंकी में ही हमारी शूटिंग चल रही है, फिल्म है जीवन की राहें और महावीर जी इसके प्रोड्यूसर हैं, तो हम लोग इसमें खूब मेहनत से काम कर रहे हैं। देखिएगा, हमारी एक्टिंग भी देखिएगा। भजन तो दर्शकों ने बहुत सुने, एक्टिंग देखिएगा कैसी लगती है आप। तो किस टाइप का कैरेक्टर आपका है इसमें? जो है हम जो हीरो है उसके फादर हैं, तो जैसा परिवार में जिस तरह के कुछ झगड़े होते हैं, बहू सास, तो वो सारी चीज़ें इसमें मिला जुला के एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म बनाई है। पारिवारिक फिल्म? पारिवारिक फिल्म है, सब लोग देख सकते हैं इसमें, कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं कि परिवार साथ में ना देख सके। अच्छा, भविष्य की क्या सारी योजनाएं हैं? भविष्य की इसके बाद योजनाएं हैं कि महावीर जी हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, वो दो फिल्में और बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें मैं ही होऊंगा उसमें लीड रोल में, और एक मैच्योर्ड हीरो की उसमें कहानी है
तो उस पर भी हम काम करेंगे। अच्छा सर, लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रही है, कैसा आप फील करते हैं, लगता है क्या मुंबई से अच्छा काम होगा यहाँ पे? हाँ, बम्बई से ज़्यादा अच्छा होगा। वो इसलिए होगा कि जो बम्बई की फिल्म सिटी है उससे ज़्यादा अच्छी यहाँ बन रही है, उससे ज़्यादा बड़ी बन रही है। यहाँ तक कि एयरपोर्ट भी होगा यहाँ, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो फैसिलिटीज़ यहाँ की फिल्म सिटी देगी वो मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं भी नहीं होगी। हाँ, योगी जी ने कहा भी है कि दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म, सबसे अच्छी बनेगी। बहुत मेहनत कर रहा है इस पर, मैं भी उस कमेटी में हूँ। मैं पहली मीटिंग में आया था और इस बारे में हमने सब चर्चा की थी, मैंने भी कुछ सलाह दी थी और उन लोगों को बहुत अच्छी लगी सलाह। मैं इसमें एज अ लीड परफॉर्म कर रही हूँ। कैरेक्टर नेम मेरा जो असलियत में है वही मूवी में भी रखा गया है, सुजाता। और रियल लाइफ में भी मैं एक डॉक्टर हूँ और फिल्म में भी मुझे डॉक्टर ही दिखाया गया है। तो बेसिकली फिल्म में मेरा कैरेक्टर बहुत ही मेरे एक्चुअल कैरेक्टर से एकदम डिफरेंट है, ऑपोजिट है। अब ये तो ट्विस्ट है, ये आप लोगों को मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि मेरा एक्चुअल में कैरेक्टर उसमें क्या है और कैसा दिखलाया गया है। बाकी मूवी बहुत अच्छी है, आजकल के यूथ पे बेस्ड है कि कैसे शादी के बाद जो है बहुएं स्पेशली अपने ससुराल वालों को ट्रीट करती हैं, सास ससुर को जो है घर से बाहर निकाल देती हैं या अपने घर में कैसे गंदे तरीके से व्यवहार करती हैं। तो उस चीज़ को हम इस मूवी के ज़रिए जो है हम दिखलाना चाह रहे हैं ताकि लोगों को एक अच्छा मैसेज मिले कि हम लोगों को एक्चुअल में ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए अपने बड़ों के साथ। हाँ, एक ये एक फैमिली ड्रामा है जो आई होप आप सबको अच्छा ही लगेगा। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है हमारे प्रोड्यूसर सर एम प्रसाद सर ने, इनके साथ हम पहले भी दो प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। हाँ जी जी, हमारा नाम आकर्ष अलग है जी। अभी आज फिल्म की शूटिंग जो है लगभग खत्म होने वाली है जी, आपका क्या रोल है इसमें? इसमें मेरा एक लीड करेक्टर का ही रोल है, थोड़ा निगेटिव है एंड कॉलेज का ही है बंदा, वही करेक्टर है। अब कहानी तो जाके देखनी पड़ेगी आप लोग को। जो ये फिल्म बन रही है किस प्रोडक्शन की है? एम प्रसाद प्रोडक्शन की है। पहले भी आप इसमें काम कर चुके हैं? नहीं, ये मेरा पहली बार है इनके साथ एंड हाँ ये पहली बार ही है। इसके पहले और भी? इसके पहले मैंने जबरिया जोड़ी की थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की, उसमें एज अ विलन सन का करेक्टर था मेरा, और फिर कुछ सीरियल एपिसोड्स वगैरह मैंने पहले कर रखे हैं इसमें। क्या उम्मीद है आपको इस फिल्म से? उम्मीदें तो फिलहाल काफ़ी हैं क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग ने यहाँ शूट किया और चीज़ें बनी हैं तो काफ़ी अच्छा चीज़ें हैं और आगे उम्मीद है कि लोगों को पसंद भी आएंगी। निगेटिव करेक्टर ही भविष्य में करने का इरादा है या कुछ और भी करेंगे? नहीं नहीं, मेरा पॉजिटिव करने का भी इरादा है। अभी एक मेरी और फिल्म आ रही है कुछ टाइम में, तो उसमें मेरा पॉजिटिव करेक्टर है काफ़ी। क्या नाम आपका? दीपक। दीपक, ये जो एम प्रसाद प्रोडक्शन बैनर तले फिल्म बन रही है, क्या नाम इसका? जीवन की राहें। जीवन की राहें, क्या करेक्टर आपका है? सर इसमें मेडिकल स्टूडेंट बनाऊँ मैं, इसमें मेरा पैरेलल लीड कैरेक्टर है, एक सोफिस्टिकेटेड डिसेंट इंसान जिसको प्यार हो जाता है और फिर वो कैसे अपने प्यार को पाने के लिए जो भी स्ट्रगल करता है वो दिखाया गया इस पिक्चर में। अच्छा, तो मतलब कैसा रहा अनुभव? कैसा रहा? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और लखनऊ में अब ऐसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मुझे काफ़ी खुशी है। हम जैसे स्ट्रगलर्स को भी चांस मिल रहा है और अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रमोशन बढ़ रहा है और लखनऊ भी अब काफ़ी काम निकल रहा है तो वो हम सबके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। आपकी पहली फिल्म है, इससे पहले भी आपने कुछ किया? मैंने इससे पहले सीरियल्स करे हुए हैं, मुंबई में काफ़ी सीरियल्स किए हैं और फिल्म मेरी ये दूसरी है। इससे पहले मैंने एक फिल्म और की थी, वो दिल्ली में थी, वो अपना थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री बेसिस पे थी और ये थोड़ी मेरी दूसरी। क्या नाम आपका? मेरा नाम शची गौर सिंह है। मेरा कैरेक्टर ओम प्रकाश जी की वाइफ उमा का, ये एक बहुत ही सीधी लेडी है लेकिन थोड़ी सी डोमिनेटिंग भी कह सकते हैं और बहुत ही सभ्य और संस्कारी परिवार की महिला है और ये एक संस्कारी फिल्म है, संस्कारी परिवार की फिल्म है। तो अभी ये आप मतलब पैकअप होने वाला है आपका लीड करेक्टर? लीड आप कह सकते हैं, भाई अनूप जलोटा जी की वाइफ का रोल है, यजुर की मदर हूँ मैं। और बहुत अच्छा यूनिट के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ये एम प्रोडक्शन की फिल्म है, एम प्रसाद प्रोडक्शन की जीवन की राहें, और प्रोड्यूसर सर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, काफ़ी कुछ सीखने मिल रहा है। और जो है डायरेक्टर हैं वो मिस्टर सुरेश पटेल हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, लगता ही नहीं है कि मतलब मैं उनके साथ पहली बार काम कर रही हूँ। बहुत अच्छी यूनिट है, बहुत अच्छी टीम है, पूरा कास्टिंग क्रू बहुत ही अच्छा है। क्या नाम है भाई साहब?
मेरा नाम राजीव कुमार सक्सेना। इस फिल्म में आपका क्या किरदार है? मेरा बलदेव राज के नाम से है एक कैरेक्टर, अनूप जलोटा जी के समधि का कैरेक्टर है सर। जी सर, किस तरह का कैरेक्टर है, कुछ उसके बारे में बताइए। एक जैसे एक फैमिली पारिवारिक उसमें मेरा एक कैरेक्टर है कि बेटे का फादर का मेरा कैरेक्टर है, ये इसी तरह से एक सोशल है, अच्छा है। तो ये आपकी पहली फिल्म है, इससे पहले भी आपने काम किया है? नहीं, पहली इस प्रोडक्शन की तो पहली फिल्म है। इसके अलावा अभी मेरी एक मूवी चल रही है भाभी माँ, रानी चटर्जी की, मुंबई में फ्यूचर स्टूडियो में। अभी उसका 40% शेड्यूल बाकी है, तो उसमें मेरा बाबा का कैरेक्टर है एज ए केयर टेकर सर। तो बस आप लोगों का प्रेम है सब। और ये मूवी भी जो जिस तरह से इसका अभी 2 दिन में पैकअप होने वाला है, बहुत अच्छी मूवी है, पारिवारिक है, आप लोग सभी लोग देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम आयुषी है। आयुषी जी, इस फिल्म में आपका क्या किरदार है? जी, मेरा एक लीड कैरेक्टर है, मैं यजुर जी की बहन बनी हूँ, अनूप जलोटा जी की बेटी, और एक बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर है, इनोसेंट सा, जो कि आगे उसकी लाइफ में भी चीज़ें थोड़ी डिसबैलेंस होती हैं। तो यही तो बात है जीवन की राहें का, तो बस यही है। फिल्म का नाम जीवन की राहें? जी हाँ। यम प्रसाद प्रोडक्शन की पहली फिल्म आप कर रही हैं, इससे पहले भी कर रही? जी हाँ, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है इनके साथ, और इनके साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, सेट पर भी काफ़ी अच्छा था, एंड आप ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जो आप फिल्म देखते हैं उसमें डीओपी का बहुत बड़ा हाथ होता है। आइए मिलवाते हैं आपको राजेश जी से, जो इस फिल्म के डीओपी हैं। राजेश जी जी, ये फिल्म आप डीओपी का डीओपी कर रहे हैं जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और फिल्म बहुत ही फैमिलियर फिल्म है, और बन के आएगी तो पारिवारिक फिल्म है। हाँ, फैमिली फिल्म है, ये एक फैमिली ड्रामा है, और आर्टिस्ट हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट आर्टिस्ट हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं, सभी का बहुत अच्छा जो है चल रहा है, और सभी का बहुत अच्छा सहयोग से ये फिल्म बन रही है। किस बैनर की फिल्म है? एम प्रसाद प्रोडक्शन का, जो है हमारे प्रोड्यूसर जी मिस्टर महावीर प्रसाद जी, बहुत ही अच्छे कूल माइंडेड, उनके सहयोग से हमारी ये फिल्म जो है बन रही है। कब तक उम्मीद है पर्दे पर आ जाएगी? 1 से 2 महीने में आ जाएगी ये, जल्दी। इस फिल्म का आप डायरेक्शन कर रहे हैं, क्या नाम आपका? सुरेश पटेल। सुरेश पटेल, ये किस बैनर पर फिल्म बन रही है? यम प्रसाद प्रोडक्शन है, और इसके प्रोड्यूसर हैं श्री महावीर प्रसाद जी, और बहुत सीनियर आदमी हैं। और ये एक अच्छी बात है, मैंने इस फिल्म को करने के लिए मैं इसलिए तैयार हुआ, वो लखनऊ के रहने वाले, मैं भी लखनऊ का रहने वाला हूँ, जब उन्होंने मुझे कहानी एक्सप्लेन की तो अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद पारिवारिक कोई फिल्म, कि हम अभी फिल्म में देखने जाते हैं तो हम लोगों को लगता है ना कि फिल्म देखने जा रहे हैं कि क्या स्थिति है, कि बच्चों को लेके जाएं या ना लेके जाएं। ये फिल्म एकदम नीट एंड क्लीन पारिवारिक ड्रामा है, और अच्छी लगने वाली है लोगों को। और ये मेरा एसोसिएट है दीपक जी, ये निमेश है, और बच्चे होंगे कहीं इधर। बहुत अच्छी कहानी है, और जो हमारे राइटर साहब हैं हरदेव जी, अच्छी कहानी लिखी है, और ये अच्छा है, महावीर जी ने आज के समय में ऐसी कहानी को बनाने की हिम्मत की। ये फिल्म आप देखेंगे नीट एंड क्लीन फिल्म है, कहीं पे आपको एक किस का सीन नहीं मिलेगा, एक मैसेजफुल स्टोरी है। अगर इस फिल्म को बच्चे देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि यार मैं अपने माँ बाप का दिल दुखाता हूँ या क्या करता हूँ, माँ बाप मेरे लिए कितनी तपस्या करते हैं मुझे यहाँ तक लाने के लिए। प्रसाद जी की ये फिल्म आप लोग जल्दी देखने वाले हैं, 1 अक्टूबर तक, अच्छी फिल्म है, ये लास्ट शेड्यूल है, कल फिल्म का पैकअप हो जाएगा। क्या नाम आपका? नमस्कार सर, गुड इवनिंग, मेरा नाम रोहित मिश्रा है जी, और मैं लखनऊ में रहने वाला हूँ जी। तो अभी जो फिल्म ये जीवन की राहें, यही नाम है ना फिल्म का? जी, जीवन की राहें। तो और ये बाराबंकी में शूट चल रहा है, इसमें आपका क्या योगदान है? सर, इसमें मैंने ना ईपी का मैं कार्य कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एंड कास्टिंग डायरेक्टर मैं कर रहा हूँ, और ये फिल्म अपनी लखनऊ में भी शूट हुई है, पारा थाने में हुई है, और अपना बाराबंकी में हुई है, जिसमें चंद्रा डेंटल कॉलेज, पंचमुखी हनुमान मंदिर, बॉस्टन कैफ़े, आपका ये रंगोली रिजॉर्ट, मतलब कई लोकेशन है जिसपे हम लोग शूट कर रहे हैं, और बाराबंकी और लखनऊ में काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला लोगों का। और इसके प्रोड्यूसर हमारे महावीर प्रसाद जी हैं, यम प्रसाद प्रोडक्शन के बैनर तले ये फिल्म बन रही है, और अपने डायरेक्टर हैं सुरेश पटेल जी। कब तक उम्मीद है फिल्म के पर्दे पर आने की?
सर फिल्म आ जाएगी करीब 3 महीने में आ जाएगी, और इसमें आप तो जानते ही होंगे इस फिल्म में जो हमारे एक्टर हैं अनूप सर हैं, अनूप जलोटा सर, जजर मारवा, और मतलब काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं जो अपने लोकल लखनऊ के आर्टिस्ट हैं, यूपी के हैं, जिन्हें हम लेके कर रहे हैं। और स्टोरी बहुत अच्छी है, स्टोरी की जो कंटेंट है उसका जो सिनॉप्सिस है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, मतलब एक घरेलू टाइप की स्टोरी है। काफ़ी दिनों के बाद कोई फैमिली ड्रामा है। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीसेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।